दिस इज H2 का लोगो दे दिया गया है। लुक एट द फ्रंट मैन, इट लुक्स ऑसम। मैन 2021 कावासाकी निंजा ZX10R BS6 संडे को लॉन्च हुई है। तो बहुत सारे भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि जेडी भाई इसका वॉक अराउंड वाला वीडियो बना दो। तो भाई थंबनेल देख लिया आपने, वीडियो बन रहा है। सो कैसे हो मेरे प्यारे मसवाले भाई लोग, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो बहुत ज़बरदस्त बाइक है, मैं तो ये बोलूँगा यार। एंड हल्के हल्के से थोड़े से इसके सिनेमैटिक शॉट इन्जॉय करें, दोनों कलर्स के जो लॉन्च हुए हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक नहीं करा, नीचे लाल वाला बटन दबा के नोटिफिकेशन के लिए घंटे वाले बटन को दबा दीजिए। जब भी नया वीडियो डालता हूँ तो आपके पास भी नोटिफिकेशन आ जाएगी। और इसकी स्टोरी इंस्टाग्राम पे पहले ही डल गई है, तो अभी तक आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा तो नीचे आईडी आ रही है, फॉलो कर लीजिए। तो सबसे पहले छोटी छोटी झलकियाँ देख लीजिए, हल्के हल्के सिनेमैटिक्स, एंड देन वीडियो शुरू करते हैं। तो कैसे रहे सिनेमैटिक्स। और ये खड़ी है एक कलर और ये दूसरा वाला कलर। एंड सो क्विकली अब शुरू करते हैं इसका वॉक राउंड देना, एंड बताते हैं बाइक के ऊपर खासियत क्या है एंड ऑल एवरीथिंग। एंड स्किप फॉरवर्ड मत करना, सबसे पहले मैं यही बता रहा हूँ, अदरवाइज यू विल मिस समथिंग और दी अदर। तो जैसे मेरा वीडियो होता है डिटेल्ड एवरीथिंग, इट विल बी द सेम। एंड शुरू करते हैं। सो अगर मैं बाइक को आगे से दिखाना शुरू करूँ तो भाई बाइक का जो फ्रंट है दैट इज़ कम्प्लीटली चेंज। तो सबसे पहले जो चेंज आया है बाइक के ऊपर, दिस इज़ H2 का लोगो दे दिया गया है। एंड ये देखो फ्रंट, ये DRL यहाँ पे दे दिया गया है। एंड ये है आपकी LED लाइट्स, ये देखो। एंड यहाँ पे थोड़े से ये आपको थोड़ा सा हॉलो दिख रहा होगा, दिस इज़ काइंड ऑफ अ विंगलेट्स, डाउन फोर्स के लिए क्रिएट बनाया गया है। एंड लुक एट द फ्रंट मैन, इट लुक्स ऑसम मैन। जो इंडिकेटर्स हैं दीज आर LED इंडिकेटर्स, एंड आगे और पीछे दोनों दे दिए गए हैं। जो ये विंडशील्ड है ये भी थोड़ी सी चेंज्ड है, इसको थोड़ा सा ऊंचा करा गया है, कर्वी कम करी गई है ताकि हवा जो है स्पीड के साथ ऊपर निकल जाए और आप जो राइडर है वो टक इन कर सके ईजिली। ये चीज़ ग्राफिक्स देख लीजिए इसके फ्रंट में कैसे लग रहे हैं। लाइट ज़रूर दिखाऊंगा आपको इसको स्टार्ट करके कैसी लग रही है एंड ऑल एवरीथिंग। तो मैं फ्रंट में आता हूँ तो यार ये देखो, यहाँ पे कावासाकी की ब्रांडिंग करी है, रेसिंग टीम, ये इसको भी चेंज करा गया है। एंड थोड़ा अगर इधर आता हूँ तो यहाँ पर शोवा के सस्पेंशन है, ब्रेम्बो ब्रेक्स हैं विद M50 कैलिपर्स, और जो ब्रेक्स दी गई हैं एंड डुअल डिस्क इन द फ्रंट, ये है 330 की साइज़ की। तो टायर्स हैं आगे और पीछे दैट इज़ ब्रिजस्टोन बैटलैक्स का टायर साइज़ है, दैट इज़ 120/70/17, 17 इंच के लॉय व्हील्स हैं। तो पिछला टायर साइज़ है दैट इज़ 190/55/17, टायर देख लो कैसा है। पिछला डिस्क साइज़ है दैट इज़ 230 mm, एंड सिंगल डिस्क आती है पीछे। इस बाइक में सबसे बड़ा चेंज ये है, दिस इज़ लिक्विड कूल्ड एंड ऑयल कूल्ड बोथ। तो ये जो है ऑयल कूल्ड, इसके आगे पहले से ही जाली लगाई गई है, सिर्फ आपको रेडिएटर ग्रिल लगानी है। ग्राफिक्स देख लीजिए, निंजा ZX10R की ब्रांडिंग करी गई है, जो ये सबसे अच्छी चीज़ है यहाँ पे कावासाकी की ब्रांडिंग करी गई है, ये अच्छी लग रही है मेरे को। 4 हेडर पाइप्स दिख रहे होंगे, 4 सिलेंडर बाइक है। तो इसमें टाइटेनियम के हेडर्स आते हैं पहले से ही कंपनी फिटेड। जो एग्जॉस्ट सिस्टम है बाइक के अंदर दैट कम्स इन 3 पार्ट्स, हेडर्स हो गए, मिड, और ये पीछे स्लिप ऑन। टैंक पे ये कावासाकी रेसिंग टीम की ब्रांडिंग करी गई है। टैंक पैड जो है एज डिफ़ॉल्ट कंपनी की तरफ से लगा आता है इस बाइक के अंदर। सिंगल सीट आती है कंपनी से ये बाइक, और एज एन एक्सेसरी आप रियर सीट लगवा सकते हैं। अगर मैं पीछे से बात करूं इसका रियर, तो ये देख लीजिए LED टेल लाइट है, LED इंडिकेटर्स हैं, और ये देखो पीछे से थोड़ी जगह दे दी गई है एरोडायनेमिकली थोड़ी सी विंड पास होने के लिए। दिस इज़ दी सेकंड कलर विच इज़ बीन लॉन्च, ये मैट ब्लैक है। ये देख लो कैसी इसकी ग्राफिक्स कैसे लग रहे हैं, एंड दिस लुक्स अमेजिंग मैन। इधर से इसके साइड ग्राफिक्स देख लीजिए, दोनों कलर साथ साथ खड़े हैं, कैसे लग रहे हैं। अगर अच्छे लग रहे हैं कमेंट सेक्शन खुला कमेंट करके बता दीजिए। अगर मैं बाइक की टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो बाइक के अंदर लगा हुआ है 998 सीसी का 4 सिलेंडर डॉक इंजन, एंड 4 वॉल दैट इज 16 टोटल वॉल्स हैं बाइक के अंदर एंड जो प्रोड्यूस करता है 203 PS की पावर एट 114 न्यूटन मीटर टॉर्क। 6 गियर हैं बाइक के अंदर। और अगर मैं टैंक कैपेसिटी की बात करूं 17 लीटर का इसके अंदर फ्यूल टैंक दिया गया है। सीट हाइट है 835 mm की और जो ग्राउंड क्लियरेंस है दैट इज़ 135 mm की। सो जो ये हैंडल के ऊपर कंट्रोल्स हैं ये सारे के सारे चेंज कर दिए गए हैं, पहले नहीं होते थे। यहाँ से इग्निशन ऑन ऑफ, यहाँ पे सिलेक्शन का बटन है एंड देन इधर भी सारे चीज़ें आ गई हैं। इस बाइक के अंदर क्रूज़ कंट्रोल दे दिया गया जो पहले नहीं होता था। स्पीडोमीटर दिखाऊं, TFT डिस्प्ले है इसके अंदर। जैसे आप यहाँ पे लाइट जली थी तो भाई क्या बात है, ये देखो RPM यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पे देख लीजिए इधर भी H2 का लोगो लगाया हुआ है हैंडल के ऊपर। ये है ऑरेंज की सस्पेंशन, ये ऑरेंज का टेम्पर है। एंड मेरे को थोड़ा सा लग रहा है कि जैसे थोड़ा सा चेंज करा गया है, आई कैन बी रॉन्ग मगर मेरे को लग रहा है। ये थोड़ा सा गैप दिख रहे हैं, ये विंड पास करके जो आगे से विंड आएगी उसको डिफ्लेक्ट करके बनाया गया है ताकि टर्न फोर्स स्पीड होती रहे। 3 राइडिंग मोड हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल 5 तक। और बाइक के अंदर क्या विली कंट्रोल, लॉन्च कंट्रोल, क्या कुछ नहीं है यार, सब कुछ दे दिया गया है इसके अंदर। एक राइडर मोड है जिसके अंदर आप 4 कन्फिगर कर सकते हो। एंड बाइक के अंदर क्विक शिफ्टर अप एंड डाउन पहले भी था और अब भी है। सो आप बोल रहे हो कि जड़ी भाई इसकी आवाज़ सुना दो, भाई सुनाते हैं इसकी आवाज़। ऐसा नहीं होगा कि आवाज़ ना सुनाई जाए, सुनाते हैं इसकी आवाज़। तो कैसी रही आवाज़, कमेंट सेक्शन खोला, कमेंट करके बता दो। बाइक आप बुक करवा के ले सकते हैं। बुकिंग अमाउंट अप्रॉक्सीमेटली 30,000 प्लस आप जो देना मांगे आहिस्ता आहिस्ता लौट आएंगे। सबसे पहले यही बता रहा हूँ। बाइक की अगर मैं सर्विस के बारे में बात करूँ तो फर्स्ट सर्विस 1000 किलोमीटर्स और 1 मंथ एंड उसके बाद 6000 किलोमीटर और 6 मंथ। अप्रॉक्सीमेट जो खर्चा आता है सर्विस का दैट इज़ अराउंड 8500 to 9000, ये सर्विस का खर्चा है। अगर मैं बाइक की वारंटी के ऊपर बात करूँ तो बाइक के ऊपर वारंटी है 2 years और 30,000 किलोमीटर विच एवर अकर्स अर्लियर। और वारंटी में क्या जो कवर होता है आप शोरूम से एक बारी कंफर्म कर लीजिए। सो आप पूछ रहे हो जेडी भाई आपने सब कुछ बता दिया है, एवरीथिंग दिखाई दी बाइक एंड ऑल एवरीथिंग कर दिया है, बट एक चीज़ है आप मिस कर रहे हो कि भाई इसके ऊपर फाइनेंस वगैरह क्या होगा एंड ऑल। अरे यार कैसे हो सकता है यार, आपको हमेशा बताता हूँ, अब भी बताऊँगा सब कुछ। सो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं लोन के लिए, तो यार एक चार्ट बना हुआ आपको पता है। ये सैलरी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, बिज़नेस वालों के लिए क्या क्या चाहिए, तो एक काम करिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आपको आसानी हो जाएगी क्या क्या चीज़ चाहिए। 20% बाइक के ऊपर डाउन पेमेंट है एंड रेस्ट 80% लोन हो जाएगा। और जो औरम कावासाकी से लोन होता है वो होता है HDFC, IDFC, येस बैंक और IDBI बैंक से। तो अब आते हैं लोन टेन्योर के ऊपर। ये देख लीजिए 3 साल 3 लाख के ऊपर कितना लोन हो सकता है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल और एक 7 साल। जो 7 साल की किश्त है दैट इज़ फॉर IDBI बैंक ओनली। सो ये पूरा का पूरा चार्ट दिया गया है। ऊपर लोन अमाउंट 4 लाख, 5 लाख और इधर टर्नओवर है 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल और नीचे वाला सबसे 7 साल का दैट इज़ ओनली बाय IDBI। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए विच विल बी मोर ईजियर फॉर यू, तो आपको पता चल जाएगा कितनी लोन कितनी किश्त जाएगी। तो ये पीछे खड़ी हैं 2021 कावासाकी निंजा ZX10R BS6 दोनों कलर्स। वीडियो आपको कैसा लगा? सबसे पहले वीडियो कर दो लाइक, वीडियो कर दो शेयर अपने दोस्तों, अपनी फैमिली, फ्रेंड्स के पास। एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। अगर आपको बुक करवानी है बाइक तो भाई औरम कावासाकी का नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर द बेस्ट डील्स। एंड अमेजिंग मैन, मेरा दिल खुश हो गया, कोई चीज़ मैंने छोड़ी नहीं। एग्जॉस्ट साउंड आपको कैसी लगी है भाई, अल्टीमेट। तो नए हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, कर लो नीचे लाल वाला बटन दबा के। इसकी जो स्टोरी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ इंस्टा पे, अभी तक फॉलो नहीं करा तो नीचे आईडी आ रही है, फॉलो कर लीजिए। तो मेरे प्यारे भाइयों मिलते हैं ऐसे किसी और धमाकेदार वीडियो में आप सबके साथ एक बार फिर। गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस, कीप loving and supporting me. Take care. Bye-bye.